नई फिल्म रिलीज हो रही है डी सैटरडे नाइट, और सैटरडे नहीं होते हुए भी हम लोग इस पूरे मूड में निकले हैं, क्योंकि इस फिल्म में जो एनर्जी है, जो इस फिल्म में थ्रिल्स हैं, वो एग्जैक्टली एक सैटरडे नाइट की तरह ही हुआ है. और बहुत ही अलग अलग किस्म के लोग और ट्रैक्स और म्यूजिक और बहुत सारी चीज़ों का एमालगमेशन है अपना ये पिक्चर डी सैटरडे नाइट, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और I'm really excited to go and watch the movie myself right now. मुझे लगता है कि अगर कुछ गुड लुक्स है तो वो तो नेचुरल चीज़ है, उसमें कोई ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से लेके बहुत खुशी है कि लोगों को मेरा काम बहुत पसंद है, और उन लोगों ने मुझे बहुत सारे सालों से मुझे काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें करते हुए देखा है यहाँ पे. तो गुड लुक्स होता है नहीं होता है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. इस मूवी में लैला खान का रोल किया है, जो जी लैला खान जो रिसेंटली मर्डर केस हुआ था उसी के ऊपर दिखाया गया है, और मूवी बहुत ही अच्छी बनी है क्योंकि उसमें अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग रियल जो केसेस हुए हैं मुंबई में और कहीं बाहर, वो सब दिखाया गया है. फुल ऑफ एंटरटेनमेंट. आई एक्सपेक्ट अ लॉट बिकॉज़ इट्स माय डेब्यू मूवी, एंड आई एम श्योर कि आप लोग जो मूवी देखने जाएंगे आपको जरूर पसंद आएगी. मैसेज बहुत कुछ है क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं इसमें. जैसे मैं फॉर एन इंस्टेंस बोलती हूँ कि मेरा इसमें एक ये है कि मैं बिना कुछ जाने पहचाने इंसान के बारे में बिना कुछ जाने उसके साथ एक रिलेशनशिप में चली जाती हूँ, जो कि आजकल आप जनरली देखेंगे कि यू नो किसी भी फेसबुक पे या किसी पे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप रिलेशनशिप में चले जाते हैं बिना उस इंसान के बारे में सब कुछ जाने. तो कई बार अच्छा होता है लेकिन कई बार बहुत बुरा भी हो सकता है. तो वो है Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.